नमस्ते, हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बेसिकली अभी आप जो मेरे मुंह पे देख रहे हो ना, ये वाइट वाइट ये सनस्क्रीन लगाई है मैंने, और ये जरूरी थी क्योंकि यार मैंने ना कल जाके देखा था बाहर इतनी धूप भाई, सर्दियों में इतनी धूप, आज बहुत गर्मी होने वाली है मैं पक्का श्योर हूँ। अभी तक बाहर नहीं निकला हूँ सुबह सुबह कमरे से, लेकिन अब जा रहा हूँ, 10 बज रहे हैं, मेरे को पता है बहुत धूप लगने वाली है। और पता नहीं आज कैसे राइड करेंगे, कितनी राइड कर पाएंगे, लेकिन करेंगे। ये हमारा फिर से सामान रेडी है, पैनियर वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिरंगी रेडी हो चुकी है गाइस। आज हमें 50 किलोमीटर का सफर तय करना है। अभी निकल रहे हैं भुज सिटी से, जहाँ हमें जाना है उस जगह का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन जाना है। तो भाई काजू बादाम ले लिए और अंकल जी ने चाय भी ऑफर करी है, थैंक यू अंकल जी। हेडविंड है यार, हेडविंड होती है जब आपको मुंह पे हवा लगती है सामने से। लैंडस्केप बदल रहा है, वो देखो गाइस, इसको कहते हैं अलग लैंडस्केप, ये देख रहे हो। अब हम जा रहे हैं कुछ अलग जगह पे, ये किसी तरीके की खेत है, क्या पौधा है मुझे समझ नहीं आ रहा, धतूरा सा लग रहा है, लेकिन मेरे को दूर से देख के ना इतने सारे पौधे थोड़ा सा जिज्ञासा सी हुई, तो सोचा मैं आके एक बार चेकआउट करूं। दोनों साइड है रोड की, उस साइड भी है और यहाँ पे भी है। अब ये क्या है पता नहीं, आप देख लो, किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। मैं इस वक्त कच्छ और भुज के रीजन में हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई पौधा आपको पता हो तो ज़रूर बता दो। यहाँ से हमें जाना है इस साइड, थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने, हमारे पास खाने को क्या है आपको पता ही है, खाएंगे हम ड्राई फ्रूट्स अपने जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। गर्मी तो है यार, मानना पड़ेगा मुझे, आई एम श्योर दिल्ली में तो लोग अभी भी कड़क रहे होंगे बिल्कुल ना ठंड के मारे। वो देखो गाइस, ऊंट बहुत सारे हैं, बैठे हैं लेफ्ट साइड में भी। वाह, ये पूरा का पूरा एरिया बियाबान है, एक तरीके से डेजर्ट ही है, यहाँ पानी भरता है लेकिन सूख जाता है। आंखों में यार जलन हो रही है आज, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है यहाँ की हवा ही ऐसी है या फिर कुछ और कारण हो सकता है। ये जो आप देख रहे हो ना भाई जो जा रहे हैं, इन्होंने मेरे को लंच दे दिया यार। यार मैं तो यहाँ बैठ के रेस्ट कर रहा हूँ, और लिटरली वैसे मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं थी, मतलब एज सच आगे मैं खाना खा लेता खुद से, लेकिन मेरे को यार जेस्चर बहुत प्यारा लगा। और ट्रैवल में ये सब ये होता रहता है ट्रैवल में अपने साथ ना, तो वो पुलिस वाली वैन आई पीछे से, इधर से आई आगे बढ़ गई थी, वैन उन्होंने पीछे ली, ठीक है, और भाई उधर क्या है बोलते खाना चाहिए क्या, मैंने कहा यार उनको बहुत अच्छा लगा कि ये होता है अपने साथ में ट्रैवल में, देखते हैं इसमें क्या है। सो बेसिकली दिस इज सम गुजराती फूड, और यही नहीं छाछ भी है और पानी भी है, तो इसको हम यूज़ करेंगे हाथ धोने के लिए। तो अब आप लोगों में से जितने लोगों को नहीं बताया, मैं अपने साथ ना पेपर सोप रखता हूँ, मेरा पेपर सोप, और इससे अब हम हाथ धोएंगे। पहला भाई गर्म हो गया पानी, there is some dhokla, you're gonna have it. कुछ मीठा लग रहा है, मीठा मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, I will just try this. मीठा ज़्यादा नहीं खाऊंगा मैं। Guys, ये देखो कौन आया मेरे पास, खुद आ गया, damn bro, तेरे को ही तो ढूंढ रहा था मैं, ले ले ले, this is for you, have everything, okay? I love you. ओ माय गॉड यार, माँ है ये, दूसरा भी आया मेरे पास है, वो भी खड़ा है यार, काश इसको भी मैं कुछ दे पाता, हालांकि इसकी हालत ख़राब है और मुझे लगता है ना इसके पास बच्चे भी होंगे। ठीक है, देखो पानी भी पी रही है। अब सीख ये है जो मैं इस चीज़ में जो मैं देख पा रहा हूँ इस सिचुएशन में, ये जो डॉग है कहीं ना कहीं बिना डरे मेरे पास आई, थोड़ी सी फ्रेंडली होके, और इसको खाने पीने का मौका मिल गया। वो वाला जो बैठा है ना उधर, वो जो दूसरा डॉग आया हुआ है वो डर रहा है, मैं उसके पास गया तो वो दूसरा वाला डॉग डर रहा है। इससे ये सीखने को मिल रहा है जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो बिना डरे खुशी खुशी जाओ भाई अपॉर्चुनिटी के पास, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो आपको मिल जाएगी, समझ रहे हो। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है ना, हमारे पास खोने को कुछ नहीं होता लेकिन जीतने को बहुत कुछ होता है, लेकिन हम अपने दिमाग में हवा बना लेते हैं कि भाई नहीं होगा तो क्या, अरे तो क्या यार, मतलब जो है वो तो है ही ना, और खो भी रहा है तो
स्टिल यार कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर यार, देर इज नथिंग टू लूज एंड ऑलवेज समथिंग टू गेन यू नो, ऐसा ही कुछ है। अभी इसने भोजन कर लिया, मैंने भी कर लिया, भगवान मेरे हाथों से ऐसे करोड़ों जीवों का पेट भरे, यही दुआ है। तो ये देखो यार, हम पहुंच गए भरद्वारा में, ठीक है। यहाँ ये बोर्ड लगा है धौरदो और वाइट डेजर्ट की तरफ, रोड ये जाता है सीधा, और मैं यही सोच रहा हूँ कि इधर ही चला जाऊँ, क्योंकि इधर दो चीज़ें हैं, धौरदो जहाँ पे G20 समिट का फंक्शन होने वाला है, और वाइट डेजर्ट। हालांकि दूर है, 30 किलोमीटर एटलीस्ट लगेगा, लेकिन ठीक है यार, जाना तो है ही। अभी पीछे ना यार, मैं वीडियो बना रहा था, मेरे को पुलिस ने रोक लिया, पूछा, बोलते सस्पिशियस लग रहे हो, क्या वीडियो बना रहे हो। फिर मैंने बताया तो फिर कहते अच्छा ठीक है, फिर बिठाया, चाय पिलाई। ये देखो यार क्या मिला है, ये जो है ना बेसिकली रोड पे लगेगा, इस सड़क पे लगता रहेगा, रिफ्लेक्टर है रात वाला, इसके अंदर ये छेद देख रहे हो, इस छेद से ऐसे लगेगा ये, और ड्रिल करके अंदर घुस जाएगा। आप लोगों को दिखाना था मेरे को, ये 3M कहते हैं इसे ना, 3M बोले तो आई गेस कोई ग्रेडिंग या कंपनी या ब्रांड होता है 3M ना। बस यही पानी बचा है हमारे पास आखिरी, और अभी 20-30 किलोमीटर और है, 30 तो है, 25 तो होगा यार। पानी ले लिया भाई, ये दुकान खोली थी, जस्ट एक बॉटल लिया मैंने और बंद हो गई है। अरे वाह, तो यार ये है धौरदो, वैसे तो धौरदो आगे है, जहाँ पे G20 हो रहा है वो आगे जगह है, मैं भी देखता हूँ यार, लेकिन मेरे को थोड़ी सी और सीनिक जगह चाहिए यार, इतना राइड करके आए, थोड़ा सा और होना चाहिए ना ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये गाइस G20 समिट की जगह है, G20 समिट यहीं पे होने वाला है, इधर कुछ रहने वाली जगह है, देखते हैं जाके। जगह तो कुछ ऐसी आ गई है यार, रण उत्सव, लेकिन हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि आज हमें रुकना कहाँ है। मुझे लगता है इसके अंदर तो काफ़ी महंगा है, क्योंकि वो पुलिस वाले लोग भी बोल रहे थे 15-20 हज़ार पर नाइट से शुरू है, इतना नहीं यार, हमारा कैंप है ना, तो कैंप जिंदाबाद, लेकिन देखते हैं क्या करना है। अभी अंदर की तरफ जा रहा हूँ, जितना अंदर भी जा सकते हो ना उतना अंदर जा रहा हूँ। सामने पड़ेगा मेरे सामने, एग्जैक्टली सामने पड़ेगा वाइट डेजर्ट, वाइट रन, और हम जा रहे हैं, मस्त है यार, आसम, दिस इज इट। यहाँ पे रोड खत्म हो चुकी है, दिन अभी ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ना रुकने की व्यवस्था नहीं है, ये जो है यहाँ से वाइट डेजर्ट स्टार्ट होता है, लेकिन अभी मैं बहुत डीप इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दिन ख़त्म हो रहा है, मुझे रुकने की व्यवस्था देखनी है और भोजन करना है, तो इसीलिए 2 किलोमीटर इधर आए थे हम, वापस 2 किलोमीटर उधर जाएंगे, फिर कल आएंगे सारा बंदोबस्त करने के बाद, ये हो गया काफ़ी दिन ना, तो हम 1-2 दिन में दोबारा विजिट कर लेंगे, फुल ऑन एडवेंचर होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम जा रहे हैं यार, वो दो पकौड़ा है ना जो दो कैंप है उनके पास जा रहे हैं, पूछेंगे क्या हम वहाँ पे कैंप कर सकते हैं, आज हम कैंपिंग करेंगे फाइनली। यहाँ तो कोई है नहीं यार इस पगोड़ा पे, लेकिन मेरे को ना ये पगोड़ा यार जिनका है ना, ये जो टेंट है जिनके, उन्होंने मेरे को बोला था यहाँ पे रात को एक बंदा रहता है, तो अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे अपना कैंप लगा सकता हूँ। वाओ, हाँ क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे को देख रहे थे, खैर टेंट तो अपने लग ही गया है ना। अब जो चीज़ें हमें करनी है ना वो है खाना है, बेसिकली डाइट अपनी पूरी लेनी है, और थोड़ा सा फ्रेश होना है, हाथ पाथ धोने हैं, मुंह वूह धोने हैं, और एडिटिंग करनी है, ये 2-3 काम बच गए हैं, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब देखो मुश्किल सफ़र शुरू हो चुका है, लेकिन अगले 10 दिन बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, मुश्किल होगी लेकिन हम कर देंगे। फिर मिलूंगा यार कल एक नई वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ कहना चाहोगे तो कमेंट कर देना, मैं आपसे मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ, डेली वीडियो डाल रहा हूँ, देख लो पूरे दिन साइकिल चलाने के बाद एडिटिंग भी करता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी डालता हूँ, मुझे भी मज़ा आता है, उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आता होगा, तो मज़ा आता है तो यार लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ।